जम्मू कश्मीर में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसे मुझे लगता है कि और ठीक करने की आवश्यकता है। हर गांव में तालाब पोखरे की साफ सफाई हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा के जल का संचयन हो सके, उसे स्टोर किया जा सके तथा हमारे जो जल स्रोत हैं बारिश ही नहीं, बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि बारहों महीने ये जल स्रोत भरे रहे। इस दिशा में मुझे लगता है कि प्रशासन को भी और यहां के निवासियों को भी मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। 2019 में एक केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्राउंड वाटर का लेवल देश के 253 ब्लॉकों माने विकास खंडों में खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और अनुमान लगाया गया कि 2025 तक देश के अन्य भागों में भी पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी और इसका बड़ा कारण ओवर एक्सप्लॉयटेशन माने पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना बताया गया है। मुझे लगता है कि स्थिति चिंताजनक है और अब ये खतरे की घंटी है। विश्व भर में पानी का मात्र 4% हमारे पास हमारे देश में है और अब आबादी अगर हम देखें तो 17% से ज्यादा हमारी आबादी है और भूगोल या एरिया देखें हम तो ये 2.5% के आसपास है हिंदुस्तान में। अगर जम्मू कश्मीर पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो मुझे लगता है कि प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में जल ये क्षेत्र जल संपदा से भरपूर रहा है। हमारा लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी नल के द्वारा दिसंबर 2022 तक 200 जिले में पहुंचाया जाए, ये लक्ष्य भी हमारे प्रमुख सचिव जल शक्ति ने आपके सम्मुख बताया है।